उसकी बहन खुदा का शुक्र अदा करके कहती है कि शुक्र है खुदा की माँ आज मेरे घर में आई है, इसलिए कि वो रूह कुदस के हदायत से ये बात बयान करना चाहती है, ना कि किसी और बात से। और इसके साथ साथ दूसरी आयत में हम पढ़ेंगे कि मुकद्दसा मरियम बयान करती है और कहती है कि खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उस बाप ने अपनी बंदी पर नजर की और उसे पस्त हाली से चुन लिया है। सी मेरे अजीज भाइयों और बहनों और बच्चों, ये वो माँ है जो कि हमेशा अपने बच्चों की हमेशा अपने बेटे से सिफारिश करती है और हमेशा अपने बेटों और बेटों की फिक्र करती है। और आज हम अपनी माँ से दुआ करना चाहेंगे और अपनी माँ के हजूर अपनी माएँ और इल्तिजाएँ और मुनाजात उसके चरणों में रखेंगे ताकि वो अपने बेटे के सामने हम सबकी सिफारिश करें। इस पाकिबात के आगाज में अपने जिंदगी के उन तमाम गुनाहों गलतियों को याद करें जो हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं, ताकि आज खुदा के रहम फसल के बाद आज इस पाकिबात में लायक तौर पर शामिल हो सके। मैं काबिल उतरी खुदा मैंने अपने प्यारों पात्रों का हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। अपने सर मनाते हुए शांति और इत्मीनान कसरत से पाए, हमें अपना आसमानी फसल की ये नेमत अता कर। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सब कर करता है। उन्हीं दिनों में मरियम का जल्दी से दोस्तान यहूदा के
प्रक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिजाबेथ को सलाम किया और जो एलिजाबेथ ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बगल में झुक पड़ा और एलिजाबेथ रुन रुख से भागे और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसी हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई क्योंकि देख जो भी तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से गुजर पड़ा और मुबारक है वो जो ईमानदार क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उनसे कही गई थी वो पूरी हो गई। और मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे जान देने वाले खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदी की फस्त खाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे दोबारी कहते हैं जिले मुकदस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। सलामत खुदा मेरा नाम आप रूह करने पान मुझे मजा कर मेरे दिल की तारीफ को अपने जलाली नूर की किरणों से मनवर कर दे ताकि तेरे पाक और जिदा कलाम को शेयर करने लायक कर दूं। तेरा आज का पाक और जिदा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी हो नसीब खुदा के वसीले से आमीन। नसीब खुदा में अजीज भाई और बहनों आज हम पाक मरियम की अकीदत में यहाँ जमा है और ये शेर रोजा इबादत पूरे पाकिस्तान में बल्कि सितंबर का पूरा महीना पाक मरियम की अकीदत और इत्राम में मनाया जाता है। आज की अंजील मुकद्दस की तिलावत जो वादा जी के साथ मिलकर हमने सुनी मुकद्दस लूका उसके पहले बाब में से इसी खुदा में अजीज भाई और बहनों हम पुराने अहदनामा में से तकवीर और उसके तीसरे बाब में से एक हवाला देखेंगे। जब खुदावंद खुदा ने कायनात को बनाया और सब चीजों पर अख्तियार आदम और हव्वा को बख्शा उन्हें अदन यानी खुशी के घर में रखा लेकिन सांप इब्लीस सांप के रूप में आया और हवा को बहकाया और वो नाफरमानी का फल खाकर खुदा के जलाल से महरूम हुए और यहां पर निजात दिलाने का वादा हमें मिलता है। खुदावंद जब आकर पुकारता आदम तू कहां है तो आदम कहता खुदा मैंने तेरी आवाज सुनी मैं डरा क्योंकि मैं नंगा हूं। और यहां पर जब खुदावंद खुदा ने सांप को सजा देने को कहा चूंकि तूने ये किया मलाऊन है तू तमाम जीवितों में तू अपने पेट के बाहर चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अय्याम तू खाक चखेगा मैं तेरे और औरों के दरमियान अदावत डालूंगा बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को गुजरेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। नसीब खुदा में अजीज भाइयों बहनों पाक मां मरियम के बालक का नाम योयाकीम और मां का नाम आना था। योयाकीम ग्रील में रहता था और यहूदा के कबीले और दाऊद की नस्ल से था। मुकद्दसाना जलील के सुबह नासर थी शादी के बाद दोनों ने नासरत में रियायत पजीर हो गई। शादी के काफी अरसे तक जब खुदा ने इनकी गोद हरीना की तो दोनों मियां बीवी गम तथा रहने लगे और क्योंकि बे औलादी को यहूदियों में अच्छा नहीं समझा जाता था और योयाकीम ने खुदा के दूर कुर्बानी भी नहीं चढ़ा सकता था
इन्हीं हालात के पेश नजर मियां बीवी ने औलाद के सुकून के लिए खुदा से दुआ मांगना शुरू कर दी और यहोयाकीम ने 40 दिन 40 रात पहाड़ों और सराओं में जाकर वहां खुदा की इबादत और रियाजत की और सरगर्मी से दुआ में मसरूफ रहा। और दूसरी तरफ उसकी बीवी हन्ना पाक मरियम की वालदा अपने घर में रहते हुए सरगर्मी के साथ खुदा के हुजूर खुदा के वादे खुदा से वादा किया कि अगर तुम्हें औलादे नरीना अदा करे तो हम उसे तेरी नजर करेंगे। आखिरकार खुदा ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें एक खूबसूरत बेटी अदा की जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। नसीब खुदा में अजीज भाई और बहनों जब जबरान फरिश्ता पाक और मरियम के पास सलाम लेकर आता है तो पाक और मरियम को पुर फजल सलाम की देता है। सलाम ऐ पुर फजल, वो इस सलाम से घबरा जाती है और फरिश्ता कहता है ना डर तवज्जो करो मत बात। आदम ने खुदावंद की आवाज सुनकर आदम डर गया और यहां पर फरिश्ता कहता है ना डर। नए अहदनामा में ये पहला लफ्ज है ना डर पाक मरियम के वसीले और इस लफ्ज का 365 दफा खुदावंद के कलाम में जिक्र है। पाक मरियम की शफात के वसीले खुदावंद खुदा ने हमारे एक दिल का डर और खौफ पाक मरियम की शफात के वसीले हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। अजीज भाइयों और बहनों, यहोयाकीम और हन्ना ने 3 साल की उम्र में पाक मरियम को हैकल की नजर कर दिया और हैकल ही में उनकी परवरिश हुई क्योंकि वो चुनी नसीदा थी। और जब वो डर गए फरिश्ता कहता है ना डर क्योंकि एक तो हमला होगी तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यसू रखना। वो कहती है मैं मदरसे में वाकिफ हूं और खुदा का फरिश्ता जबरल कहता है हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी रूह कुदरत तुझ पर नाजुक होगा। इस वक्त से वो मालूम है मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और फरिश्ता साथ ये भी कहता है खुदा की कोई बात हम की बेतहसीर ना होगी। और फरिश्ता कहता है देख तेरे रिश्तेदार इस बात के भी बड़ा मेरे बेटा होने वाला है। और यहाँ पर पाक मरियम का अल्फाज तवज्जो करो पर अल्फाज है जिसकी कमी मेरे और आपकी जिंदगी में पाई जाती है। पाक मरियम फरमाती है इसलिए देख मैं खुदावंद की बंदी हूं मेरे लिए तेरे कौल के वाती को। और फिर कलाम यस्तु अल्मसी की सूरत में उसके बदन में समा गया। अजीज भाई और बहनों 4 बातें उन बदल सलामती से मंजूर हुई। आम औरत नहीं है उन बदल सलामती से मंजूर हुई। हक तारे कुदरत का साया ऊपर हुआ रूह कुदरत से मंजूर हुई और कलाम उसकी जिंदगी में आया यसु मसीह की सूरत में उसने कलाम को जन्म दिया। इसलिए हम खुदा खालिक की नहीं बल्कि खुदा बेटे की मां कहते हैं कि वो खुदा बेटे की मां है वो हमेशा हमारी शफात करती है। और तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अजीज भाइयों और बहनों हम इस खुशखबरी को जब जो पाक मरियम की जिंदगी में आई है खुदा के मंसूबों की पहचान पाक मरियम कराती है। वो यसु की मां के साथ यसु की शागिर्दा भी है। और जब फरिश्ता उसे कहता है तेरे रिश्तेदार के अलिस्बात के बुढ़ापे में लफ्ज बुढ़ापे का लफ्ज सुनकर पाक मरियम और फजल सलामती से ममूर हक तारे कुदरत का साया रूह कुदरत से ममूर और कलाम उसके बादल में आया और वो जाकर पाक मरियम माल इस बात को सलाम कर दिया। खुदा के मंसूब की पहचान पाक मरियम से सीखे सलाम कर दिया और उसके सलाम के बदले में क्या होता है माल इस बात एकदम खिलाफ दिया देख सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची बच्चा मेरे बादल में खुशी के मारे उछल पड़ा और इस बात रूह कुदरत से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी
मेरे लिए बात कैसी हुई कि मेरे खुदावन की मां मेरे घर है। और जब पाप मरियम इन सारे भाग्यों को देखती है तो अपने दराने में मोहब्बत के दराने में क्या कहती है, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे में जाकर खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी पति की परदाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेके हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अजीज भाइयों बहनों, कभी भी पाक में गैदन कुरिसिया तालीम नहीं देती कि माँ के नाम में निजात है, निजात यीशु के नाम में है। माँ तो वो पुल का किरदार अदा करती है, निजात का हमें तरीका कार सिखाती है। क्या वो कबूलियत जो पाक में मरियम के अंदर थी आज हमारी बहनों बेटियों में, आज हमारे नौजवानों में, हमारे भाइयों में है? क्या वो मोहब्बत जो पाक में मरियम की कबूलियत से उसने अपने किरदार से जाहिर की अजीज भाई और बहनों मेरा रात के अंदर है? हम एक खुदाम के कलाम में से मुकदस मरकज उसके 12 बाब में से देखते हैं जब चला कलाम यीशु से सवाल करते हैं कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, 10 काम को 600 से ज्यादा कलामी में तब्दील किया और यीशु मसीह ने फरमाया सुना इस्राएल खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है और तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर और मोहब्बत के तराने में ये हमें सुनने को मिलता है। एक तरफ बाप इब्राहिम ईमानदारों का बाप तकवीन 22 बाप खुदावन आवाज करता है इब्राहिम इब्राहिम कहता खुदावन में हाजिर हूं और खुदावन कहता है तेरा इकलौता बेटा इसहाक जिसे तू बेहद अजीज रखता है मेरी राह में कुर्बान कर मूरिया के पहाड़ों में जो मैं तुझे दिखाऊं। अजीज भाइयों और बहनों रास्ते में बेटा पूछता है चुड़ी हमारे पास आग हमारे पास है भरा कहा है और बाप इब्राहिम कहता है खुदा खुद मैया करेगा और जब कुर्बान का बनाकर बेटे को कुर्बान करने लगता है खुदा का फरिश्ता हाथ रोक लेता है कि पीछे मुड़कर मैंडो को दे जिसके सीख जारी मटके में अपने बदले इसके बदले में उसे कुर्बान कर। और दूसरी बार जब खुदा का फरिश्ता जाहिर होता है क्या कहता है चूंकि तूने ही अमल किया कि अपने इकलौते बेटे को भी खुदा की राह से देने से दरेक ना किया इसलिए मैंने अपनी जात की कसम खाई है मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे पहली बरकत दूसरी बरकत मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समंदर की रेत के मान बढ़ाऊंगा, तीसरी बरकत तेरी नस्ल की रुबे जमीन पर काबज होगी फतहमंदी की बरकत और चौथी बरकत तेरी नजर के वसीले रुबे जमीन की कुल तमाम बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरा काम माना। और बात को मैंने भी अपने मोहब्बत के तराने में जब कह दिया इसलिए देख अब से लेके हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। सात मुबारकबादियां पाक मरियम पर अजीज भाइयों बहनों हर जाविये से पूरी होती नजर आती है। उसने अपने अपने किरदार से इन मुबारकबादियों को अपने बदन से पूरा करके दिखाया। हम पाक मरियम की मोहब्बत के बारे में सुनेंगे मां इस बात के बुढ़ापे में जाकर अजीज भाइयों बहनों किस तरह हम देखते हैं कि मां इस बात रूह कुदस से बच जाती है और उसके बाद में योना सिपाही खुशी के मारे रूह कुदस से बच जाता है और काना ग्रीन की शादी में मां की मोहब्बत देखे काना ग्रीन की शादी में जाकर कहती है बेटा इनकी मैं खत्म हो गई है। वो कहता है खातून तुझे और मुझे क्या, खातून उस दौर में इज्जत का लफ्ज होता और हेरोदीस के दरबार में आला इज्जत वाले औरतों के लिए और यहूदी खवातीन को इज्जत के तौर पर जब बुलाया जाता था तो लफ्ज खातून कहा जाता था। पाक मरियम की तरबियत का असर देखे और काना ग्रीन के उस खानदान से मोहब्बत देखे पाक मरियम कहकर चली जाती है और जाकर कहती है जैसे यीशु कहे वैसा करो, जैसा यीशु कहे वैसा करो और मां के कहने पर काना ग्रीन ने बहुत सा करके यीशु और मसीह ने मां की इज्जत और वकार को बढ़ाया। और अजीज भाइयों और बहनों फिर हम देखते हैं के शरीर पर पाक मरियम को यूहन्ना रसूल से यीशु से प्यार करते थे कहते हैं देख तेरी मां
और पांच ममरिन को कह दिया देख तेरा बेटा, और फिर यूहन्ना उसे अपने घर ले जाता है और सुबह के माह में उसे पहले बार में देखते हैं। जब खुदावंद खुदा ने कहा कि जब तक तुम्हें कुबत का लिबास न मिले यरूशलेम से बाहर न जाना, और इंतहाई गहना गानी के दौर में खौफ के दौर में पाक मां मरियम 120 की जमात के साथ 9 तक रूह कुदस के असूल के लिए दुआ में मसरूफ अमल रही, मां हर जाविया से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। थोड़ी देर पहले एक बेटी मिली जो पिछले साल इसी इबादत में आई थी, पाक मां मरियम की शफाअत से पाक मां मरियम की दुआओं से खुदावंद खुदा ने हमारी इस बेटी की गोद को हरा किया है। इबादत के आखिर में वो बेटी दुआई देगी। अजीज भाइयों और बहनों, आज खुदावंद के कलाम में सब सुनते हैं मुकद्दस पाक मां मरियम तमाम मुकद्दसीन में पाक तरीन, तमाम आजिजों और अलीमों में आजिज है, बेहद अलीम है और पुरोतन है। पाक मां मरियम फैसला पेचीदे से पेचीदा फैसला करने की भी सलाहियत रखती है और तादम आकर उस पर कायम रहती है, और पाक मां मरियम फिक्रमंदी करती है। आज भी वो अपने प्यारे बेटे से हमारे लिए शफाअत करती है। 12 बरस की उम्र में जब यीशु मसीह काफ़र उनसे जुदा हो गया और तीन दिन तक वो उसे ढूंढते रहे और आखिरकार उसे उस्तादों के दरमियान पाया। अजीज भाइयों और बहनों, जिस तरह पाक मरियम ने बच्चा यीशु की फिक्र करती है, वो हमारी भी फिक्र करती है, और एक माँ का एक कामल नमूना है। पाक मरियम वफादारी, ताबेदारी और खास तौर पर नौजवान बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक आला नमूना है जो अपनी वफादारी और ताबेदारी के लिए यीशु की मोहब्बत को फैलाती है। काश हमारी आज की बहनें और बेटियां पाक मां मरियम की तर्ज जिंदगी को अपना ले तो खानदानों में मोहब्बत का रुझान बहुत ज्यादा हाई हो। आज अजीज भाइयों बहनों, पाक मरियम की अकीदत में हम सब जमा हैं और पाक मरियम की अकीदत में रहते हुए अजीज भाइयों बहनों, हमें पाक मरियम की तरह यीशु को कबूल करने की जरूरत है। जिस तरह पाक मरियम ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया, और जब खुदा के ताबे कर दिया तो फिर अजीज भाइयों बहनों खुदावंद की फरमा बरदारी और वफादारी में वो आखिर तक कायम है। आज पाक मरियम की मोहब्बत हमें दावत देती है, हम पाक मरियम की पाक मोहब्बत को अपना ले, लेकर हमारे अंदर वो कबूलियत हो, वो अपनाइयत हो, वो मुआफी हो, वो आजी हो, घमंड ना हो, गुरूर ना हो, तकबर ना हो, बल्कि हलीमी और आजी हो। हलीमी और आजी ने पाक मरियम को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और आज और हर जमाना के लोग उसे मुबारक कहते थे, मुबारक कहते हैं और मुबारक कहते रहेंगे। आए आज वक्त है मेरे और आपके लिए हम पाक मरियम की रूहानियत को कबूल करें। जिस तरह और पदक सलामती से मामूर होकर हक तले कुदरत का साया ठहरा, रूह कुदरत से मामूर हुई और कलाम को उसने जन्म दिया। कई बार इंतहा दुख होता है, हम कलाम की जो तो करते हैं, मगर किस जात ने कलाम को जन्म दिया उसकी इज्जत करते हुए हम शर्माते हैं। कभी भी पाक मां कैथरीन कुलिसिया तालीम नहीं देती मां को सजदा करो, मां की तासीम है, जितनी भी तासीम की जाए उसके नाम के शायान शान वो कम है। और अजीज भाइयों और बहनों, जिस तरह पाक मरियम ने यीशु को कबूल किया, खुदा की राह में अपने आप को दे दिया, हम उस मुकाम तक पहुंचे तो सही। फादर लियास वेला बताते हैं कि पाक मरियम को रूहानियत को अपनाने के लिए हमें पाक मरियम की तर्ज जिंदगी पर चलने की जरूरत है। आए आज हम सब अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। पाक मरियम की रूहानियत आज मुझे और आपको पैगाम देती है। वो मां आज भी अपने हाथ बढ़ाए अपने प्यारे बेटे यीशु से मेरा आपकी शफाअत करती है। आइए उस मां की रूहानियत को अपनाएं।
जिस तरह उसने यीशु को कबूल किया, हम भी यीशु को कबूल करें। जिस तरह वो मोहब्बत के कराने में कहती है, मेरी जान खुदावंत की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे जानवर खुदा से खुश हुई। आइए हम भी उस खुशी और खुदा को पाक मरियम की तरह कबूल करें, ताकि हमारे बदन में हमारी नहीं बल्कि जिस तरह पाक मरियम के बदन में यीशु की मर्जी पूरी हुई, हमारे बदन में भी यीशु की मर्जी पूरी हो। हम अपने बदनों से पाक और मरियम की तरह उसके पाक और कुदूस नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे, ताकि हमारे घरों से विद्दे जाती रहे, लड़ाइयां जाती रहे, झगड़े जाती रहे, बहनों बेटियों में, भाइयों में, नौजवानों में वो अलीगी और बरोतरी आए, कबूलियत की, एक दूसरे को माफ करने की, एक दूसरे से माफी मांगने की, ताकि पाक और मरियम की शफाअत करती रहे, घरों में यीशु की मोहब्बत हो और हम सब मिलकर पाक और मरियम की तरह अपने बदनों से यीशु का जलाल जाहिर करने वाले उसके बेटे और बेटियां ठहरे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। बड़े एहतराम के साथ खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलुल्लाह कहता, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का जिंदे बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा तमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने मेहंदी का रूह उसके हाथ में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरकत उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुझे बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों की इबादत की जाने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिकिया मुकदसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आए जिंदों की बात है तमाम अर्जे मिलते बोले जाते खुदावंद अपने खुदा के सामने पेश करें। खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ आज के इस कलाम के लिए, जो कि खुदावंद हमने आपकी बदा के बात पर सुना, और खुदा आज इस खूबसूरत दिन के लिए जब कि खुदावंद हम अपनी माँ तमाम दुनिया की माँ मुकद्दसा मरियम की खुदावंद ईद मनाते हैं, ताकि खुदावंद हम सब हमेशा से बेशकर अपनी माँ को की इज्जत करें और एहतराम करें, और इसी तरह जोश और खरोश में अपनी माँ की इज्जत मनाएं। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करना चाहता हूँ खुदावंद इन तमाम तेरी बेटियों और तेरे बेटों के लिए खुदावंद, जो कि बड़ी अकीदत, बड़े ईमान, बड़े भरोसे के साथ अपनी अर्जे मिलते मुनाजाते खुदावंद अपनी माँ हमारी माँ के पास ले गए हैं, ताकि खुदावंद जिस तरह ये खाली हाथ आए हैं इसी तरह खाली हाथ ना जाए, बल्कि अपनी मुरादें पूरी करें और आपके इस नाम का शुक्र अदा करें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी अभी वक्त है अपनी अर्जे मिलते मुनाजाते खुदावंद के सामने पेश करें। खानदान के तमाम कबूल करें और इस तरह से हमेशा इन ग्रामों पर मेहरबान हों। हम इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। दुआ भी करें तमाम बीमारों के लिए जो हमें अस्पतालों में हैं, और इंतजार के लिए और हाजिर शमायत के लिए जो लोग बीमार हैं, के खुदावंद खुदावंद सब पर अपने रहम करम की निगाह करें और मुकद्दसा मरियम की शफाअत के वसीला से तमाम लोग शिफा पाएं। हम इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। खानदानों को तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। आज इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें।
अरे खुदावन हमारी पुनाह कुमत के सरचश्मे जो दुआएं और इल्तिजाएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं उन्हें सुन और कबूल फरमा मसीह हमारे खुदावन के सिरा से जिंदा रहता और सब करता है।
खुदा आपके साथ हूँ, आपके साथ ही हूँ। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए, हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करेंगे। वाक्य वाची और नहायत मुनासिब है उस बात के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और तुम्हारी तुम्हारी महामारी की याद में तेरी हम दो सरा करें। उसने मुकदस के साय से तेरे पौधे मिले तो हमद लिया और तमाम की शरीर हालत में कोई बगैर असली नूर के खुदा यीशु मसीह हमारे खुदावंद को इस दुनिया में लाए, जिसकी बात पर हम तमाम रिश्तों और मुकदसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हम दो सना बयान करते हैं। हमारी अपने इन बच्चों की दुआएं खोल कर पाक रूप भेज ताकि ये नस्ताने रोटियों में पाक और बरिक हूँ और हमारे यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आप के खाने के मौका पर रोटी दी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। उसने खाने के बाद लेकर प्याला लिया, उसने दोबारा शुरू किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए वक्त में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा, मेरी याद में शुरू किया। हमारे ईमान का तमाम दुनिया में से काम अनुभव
खुदा
मुबारक हम सब जो इस पाक बरे की सियाफत में बुलाए गए हैं। इसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज करते से बचाएगा। आए हम वो अपने सिरों को झुकाए
अरे खुदावन हमारे खुदा, तो अपने कलीसिया की इन पाप विरुद्ध इसलिए परवरिश करता है, उसे मुकदसा तुम्हारी की ईद औलाद की खुशियां मनाने दे, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बायस है और निजात की इब्तदा का वसीला है। हमारी ये इल्तिजा कबूल कर मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। भाई की बेटी को बुलाऊंगा कि वो आए और अपने कुमार को। मुझे चुनती है गॉड ने और बहन सीना का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी पर्ची डाली थी औलाद के लिए, 5 साल हो गए थे औलाद नहीं थी, खुदा ने की। देखिए मुकदसा मां हमेशा हम कहते हैं कि वो हर बेटी और बेटे की हर खानदान की सिफारिश को सुनती है और वही सिफारिश अपने बेटे के सामने पेश करती है। ये ईमान की मजबूती है और ईमान की मजबूरी है और खुदा देखता है। तो अभी मैं अपने रेवरेंड फादर कश्मीर और यूसुफ को बुलाऊंगा कि वो इस बारे झगड़ करें, इस बारे प्यार करें और सबका शुक्रिया बुला करें। तानिया सलून की पर्ची किसने डाली थी? समीना कैसा तुझे किधर? अच्छा वो दिन डंडो जाओ इन्होंने उन्होंने आख्या कि साढ़े वास्ते दुआ करो, इसलिए असं इतने बैठे हैं किसी भी तैयारी कर रहे हैं। तो कि ग्रुप ने मसूद
इसके बाद